नमस्कार विद्यार्थियों, नव भारती परिवार में आप सबका स्वागत है। आज मैं जो आपके लिए वीडियो बना रही हूँ, इससे पहले भी मैंने आपको भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में पढ़ाया था। मैं जो आपको टॉपिक पढ़ा रही हूँ वो है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, जिसमें मैंने पहला टॉपिक आपको पढ़ाया था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना और इसमें कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया, और कांग्रेस के सम्मेलनों की बात हमने पिछले वीडियो में की थी विद्यार्थियों। आज हम इस टॉपिक में कांग्रेस के विभाजन की बात करेंगे कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो की स्थापना 28 दिसंबर 1885 को हुई थी, प्रथम जो अध्यक्ष थे इसके वो व्योमेश चंद्र बनर्जी थे। कौन थे? व्योमेश चंद्र बनर्जी इसके प्रथम अध्यक्ष थे, ठीक है विद्यार्थियों। उसके बाद बात ये आती है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1907 के सूरत अधिवेशन में कांग्रेस का विभाजन हो जाता है। क्या हो जाता है? विभाजन हो जाता है। इस सूरत अधिवेशन की अध्यक्षता रास बिहारी बोस ने की थी। किसने की थी? रास बिहारी बोस ने इस सम्मेलन की अध्यक्षता की थी। इससे पहले 1906 में कलकत्ता में अधिवेशन हुआ था, जिसकी अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी ने की थी, और इसी सम्मेलन में पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग किया गया था। स्वराज और स्वदेशी शब्दों का प्रयोग जो है 1906 के कांग्रेस के सम्मेलन में किया गया था। अब बात आती है कि 1907 का जो सूरत अधिवेशन हुआ, जिसकी अध्यक्षता रास बिहारी बोस ने की थी, अध्यक्षता करने वाले थे लाला लाजपत राय, लेकिन लाला लाजपत राय जो है वो नहीं जीत पाए और अध्यक्षता किसको मिल गई? रास बिहारी बोस को। और 1907 में जो है कांग्रेस दो भागों में बट गई विद्यार्थियों, उदारवादी गुट और दूसरे गुट का नाम था उग्रवादी गुट। पहला उदारवादी और दूसरा था उग्रवादी। उदारवादियों का प्रभुत्व भारतीय राजनीति में 1885 से 1905 तक रहा। 1905 से लेकर के 1914 तक की जो राजनीति रही या 1919 तक की जो राजनीति रही, उसमें उग्रवादियों का प्रभुत्व भारतीय राजनीति पर छाया रहा। और 1947 के युग को कहते हैं विद्यार्थियों गांधी युग। तो दो गुटों में विभाजन के स्पष्ट लक्षण हमें दिखाई दे रहे थे 1907 के सूरत अधिवेशन में। उदारवादी गुट में आपके फिरोज शाह मेहता, बद्रुद्दीन तैयब जी, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, फिरोज शाह मेहता, बद्रुद्दीन तैयब जी, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, गोपाल कृष्ण गोखले, जिन्होंने 1905 के कांग्रेस के सम्मेलन की अध्यक्षता भी की थी। उग्रवादी जो गुट थे उसके प्रमुख नेता थे लाल बाल पाल, ये उग्रवादी गुट के प्रमुख नेता थे, और 1905 के बाद भारतीय राजनीति में इनका प्रभुत्व छा चुका था। लाल का मतलब है यहाँ पर लाला लाजपत राय, बाल का मतलब है बाल गंगाधर तिलक, और पाल का मतलब है यहाँ पर विपिन चंद्र पाल। बाल गंगाधर तिलक जिन्होंने महाराष्ट्र में गणेश उत्सव और शिवाजी उत्सव का आयोजन किया था। बाल गंगाधर तिलक के बारे में वेलेंटाइन शिरोल ने कहा है, भारतीय असंतोष का जो पिता था वो था बाल गंगाधर तिलक, और बाल गंगाधर तिलक ने भारत में राष्ट्रीय आंदोलनों के माध्यम से आज़ादी प्राप्त हो सकती है, इस बात को आगे बढ़ाने वाले थे बाल गंगाधर तिलक, जिन्होंने गीता रहस्य नामक रचना भी लिखी थी बाल गंगाधर तिलक ने। 1916 में जाकर के जिन्होंने होम रूल आंदोलन भी चलाया वो थे बाल गंगाधर तिलक।
उसके बाद आता है विपिन चंद्र पाल। तो यहाँ ध्यान रखने वाली बात यह है कि उदारवादी नेता थे फिरोज शाह मेहता, बद्रुद्दीन तैयबजी, सुरेंद्रनाथ बनर्जी और गोपाल कृष्ण गोखले। उग्रवादी नेताओं में लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, विपिन चंद्र पाल और एक नाम और आता है विद्यार्थियों, जिसका नाम था अरविंद घोष। इसे भी उग्रवादी नेता के रूप में मान्यता प्राप्त है। अब बात आती है उदारवादी गुट की, कि उदारवादी और उग्रवादी में क्या फर्क था। तो उदारवादी जो थे विद्यार्थियों, वो प्रार्थना पत्रों में विश्वास करते थे। किसमें विश्वास करते थे? प्रार्थना पत्रों के माध्यम से अपनी आवाज को सरकार तक पहुंचाते थे। जबकि उग्रवादी नेताओं का ये मानना था कि प्रार्थना पत्रों के माध्यम से हम अपनी बात को सरकार तक नहीं पहुंचा सके, इसके लिए हमें आंदोलनों का सहारा लेना पड़ेगा। संवैधानिक तरीकों से हम राष्ट्रीय आंदोलनों के माध्यम से ही आजादी को प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा उदारवादी जो नेता थे, उनका भारतीय राजनीति पर प्रभाव 1885 से लेकर 1905 तक रहा, जबकि उग्रवादियों का प्रभुत्व 1905 के बाद आया। स्वदेशी आंदोलन जो कि 1605 में चलाया गया था, इस स्वदेशी आंदोलन के बाद लाल बाल पाल का प्रभुत्व भारतीय राजनीति में छा गया और भारतीय जो युवा थे वो उग्रवादी गुटों की तरफ आकर्षित होने लग गए थे विद्यार्थियों। तो प्रार्थना पत्रों में ये लोग विश्वास करते थे, जबकि राष्ट्रीय आंदोलनों में विश्वास करते थे। स्वदेशी, स्वराज, राष्ट्रीय शिक्षा और बहिष्कार, इन प्रवृत्तियों में विश्वास करते थे कौन? उग्रवादी, जबकि प्रार्थना पत्रों में विश्वास करते थे उदारवादी विद्यार्थियों। भारतीय राजनीति पर इनका प्रभाव, लेकिन फिर भी भारतीय राजनीति में राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रभुत्व को, जड़ों को कायम करने वाला उदारवादी गुट ही था। और महात्मा गांधी जिन्होंने भारतीय राष्ट्रीय आंदोलनों को एक जन आंदोलन बना दिया, उसमें बेस का काम किया था इन उदारवादी नेताओं ने। उदारवादी नेताओं ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जड़ों को मजबूत किया था। तो भारतीय राजनीति में हम ये नहीं कह सकते कि उदारवादी जो थे ये राजभक्ति में विश्वास करते थे, अंग्रेजों की राजभक्ति में विश्वास करते थे, जबकि उग्रवादी राजभक्ति में विश्वास नहीं करते थे। ये पाश्चात्य शिक्षा के समर्थक थे, जबकि पाश्चात्य शिक्षा के समर्थक थे कौन? उदारवादी, जबकि राष्ट्रीय शिक्षा के समर्थक माने जाते थे आपके कौन? उग्रवादी जो थे वो राष्ट्रीय शिक्षा के समर्थक थे, वैदिक शिक्षा के समर्थक थे। लेकिन आपके उदारवादी जो नेता थे, उनका ये मानना था कि अगर भारत का विकास करना है तो हमें पाश्चात्य शिक्षा का समर्थन करना पड़ेगा। तो आपने देखा उदारवादी और उग्रवादी नेता कौन कौन थे, उदारवादी और उग्रवादियों में क्या डिफरेंस है, इस बात को हमने इस वीडियो में देखा। आगे के वीडियोस में हम स्वदेशी आंदोलन, मुस्लिम लीग, असहयोग आंदोलन और गांधी युग के बारे में चर्चा करेंगे। तो आप चाहते हैं कि समस्त राष्ट्रीय आंदोलनों वाला जो टॉपिक है आपका, उसको मैं क्लियर करवाऊं, तो आप मेरे नव भारती स्टडी सर्कल चैनल से जुड़े रहिए, ताकि आगे के वीडियोज में आपके लिए इसी तरह से बनाती रहूं। विद्यार्थियों, धन्यवाद।